इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय जमाल और आज हम जानेंगे कोटा रियासत की कहानी। कोटा आज भारत भर में एक मशहूर शहर बन गया है और इसका कारण है यहाँ की जो कोचिंग क्लास इंडस्ट्री है। इसके कारण हर साल कोटा शहर में लाखों स्टूडेंट्स भारत भर से आते हैं अपने IIT प्रेपरेशंस के लिए। पर एक दुख की बात यह है कि यहाँ पे आने वाले जो लाखों यंगस्टर्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस कोटा शहर में तो आते हैं पर उनको यहाँ इस शहर के गौरवशाली इतिहास के बारे में बहुत कम पता है। कोटा का इतिहास समझने के लिए हमें इसका एक हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। कोटा शहर जो है वो जो राजस्थान का हड़ौती रीजन है वहां पर स्थित है, चंबल नदी के पास में है। इसके उत्तर में जो बूंदी और फिर आगे अजमेर है, दक्षिण में मालवा है। अगर हम प्राचीन इतिहास में जाए तो ये जो पूरा इलाका है वो एक समय जंगल हुआ करता था और यहाँ पर हमें इनफैक्ट स्पेशली जो बूंदी एरिया है या इवन कोटा के आसपास काफी पैलियोलिथिक और नियोलिथिक टूल्स मिले हैं जो हमें बताता है कि बहुत प्राचीन समय से आदि मानव के काल से ये एरिया इनहैबिटेड था। और फिर बाद में अगर आप जो ज्योग्राफी समझे तो जो मालवा से अगर आपको अजमेर और फिर उत्तर उस तरफ नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो आपको इसी क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। ये जो झालावाड़ का एरिया है, नागरोन का किला, फिर कोटा, आप चंबल क्रॉस करेंगे, फिर आगे बूंदी आएगा जो अरावली में एक गैप है। तो ये एक रास्ता है अरावली के थ्रू जाने का। तो इसकी वजह से ये हमेशा महत्व में रहा। ये जो पूरा जो इलाका है प्राचीन काल से ये भील और मीना जो लोग हैं उनका इलाका हुआ करता था और यहाँ पर भील और मीना राज्य हुआ करते थे। जैसे हमने हमारे बूंदी एपिसोड में जाना है कि बूंदी में बूंदा मीना और जैता मीना करके राजा हुआ करते थे, उसी तरह से ये जो कोटा का जो एरिया है, जो चंबल का तट, जो प्लेन्स है, वहां पर भील राजाओं के राज्य हुआ करते थे। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने के कारण जो बाकी एम्पायर्स थे जैसे कि गुप्त साम्राज्य है उत्तर भारत का, या फिर बाद में धार के जो परमार राजा है राजा भोज और वो जो फेमस राजा है वो, फिर जो शाकंभरी सांभर अजमेर और अजमेर के जो चौहान राजा है, तो वो क्या करते थे कि यहाँ के जो भील और मीना जो राजा है उनसे ट्रिब्यूट लिया करते थे और एक्चुअल जो राज्य हुआ करता था वो इन्हीं लोगों का हुआ करता था। पर क्योंकि ये जो बड़े बड़े राजाओं के इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर मिलते थे तो इसीलिए हमें कभी शिलालेख मिलते हैं चौहान राजाओं के, शिलालेख मिलते हैं परमार राजाओं के, मंदिर मिलते हैं, कुछ मंदिरों के अवशेष मिलते हैं गुप्त कालीन। तो ये हमें बताता है कि इवन प्राचीन काल में ये पूरा इलाका काफी समृद्ध इलाका हुआ करता था। अराउंड 12वीं और 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो इलाका है यहाँ पर धीरे धीरे मीना और भील राजाओं के राज्य खत्म होने लगे और यहाँ पर जो राजपूत राजा है वो यहाँ पर शासन करने लगे। हमें संदर्भ मिलता है कि अराउंड 1243 के आसपास 13वीं शताब्दी के बीच के काल में कि जो बूंदी का जो राजपूत राज्य था उसकी जो सीमा थी वो चंबल नदी तक थी और इसका जो दक्षिणी भाग था वो वहां पर कोट्या भील करके एक लोकल राजा हुआ करता था और उसी कोट्या भील के नाम से इस शहर का या इस बस्ती का नाम पड़ा कोटा। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ पे एक किला या कोट हुआ करता था इसलिए इसका नाम कोटा रखा गया। तो ये इतिहासकारों के अपने अपने वर्षन हैं। पर हमें एक कहानी मिलती है जो कोटा राज्य का इतिहास करके जो किताब है वो जो एक ऑफिशियल ऑलमोस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन है
कि किस तरह से जो बूंदी के राजा है उन्होंने कोटा और जो मीनाओं का राजा है वो कब्जे में कर लिया है। हमें ये रेफरेंस मिलता है कि जितने भी उनके युद्ध होते थे यहाँ के मीना और भील राजाओं के साथ, वो नहीं जीत पाए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो भील राजा था उसे एक दावत या एक सेरेमनी के लिए बुलाया और वो बैठे हुए थे और नीचे उन्होंने बारूद वाली सुरंग बनाई थी। और फिर जब वो सारे मीना वॉरियर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने फिर उस बारूद को उड़ाकर उनको उनकी हत्या कर दी और कोट्या मीना लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद ये जो भील और मीनाओं का जो क्षेत्र था वो पूरा बूंदी राज परिवार और जो हाड़ा चौहान राजवंश के पास चला गया। तो 14वीं और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में हमें ये रेफरेंस मिलता है कि जो कोटा का जो पूरा एरिया है वो पूरा जो बूंदी रियासत है उसके अधीन था और बूंदी रियासत जो थी वो चित्तौड़गढ़ के जो महाराणा हैं उनके अधीन थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जो रणथंबोर का किला है जो कोटा से ज्यादा दूर नहीं है और एक अगर आप देखें तो अरावली के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, वो जो बूंदी के जो हाड़ा रूलर थे उनके अधीन था ऑन बिहाफ ऑफ द महाराणाज ऑफ मेवाड़। और 1539 में मुगल बादशाह अकबर ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर रणथंबोर पर हमला किया था और तब जो वहां उसके कमांडर थे बूंदी के जो सुरजन सिंह, उन्होंने मुगलों के साथ ट्रीटी की थी और एज पर दिस ट्रीटी जो बूंदी राज्य है उन्होंने रणथंबोर तो सरेंडर कर ही दिया पर एक एक अलायंस उन्होंने किया कि जो हाड़ा चौहान है वो जो मुगल सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे और मुगल दरबार में सेवा करेंगे, मनसब सेवा करेंगे, जो उन्होंने फिर अगले 200 साल तक की। कोटा के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है राव माधव सिंह का। नाउ राव माधव सिंह अराउंड बादशाह जहांगीर जो है उनके कंटेम्प्ररी थे और मुगल दरबार में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। वो मुगल मनसबदार थे और मुगल जितने भी कैंपेन्स हुए मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनफैक्ट बुंदेलखंड में जब बुंदेलों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो वो वहां लड़ने गए, फिर बाद में गोंडवाना जो मध्य प्रदेश का महाकोशल एरिया है वहां पर जब गोंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वहां लड़ने गए, उन्होंने कंधार में लड़ाई की। और इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मुगलों का आप नॉर्दर्न मोस्ट एक्सपीडिशन देखें तो वो है बल्क करके अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर और मुगल फौज लेकर माधव सिंह बल्क मतलब इट्स लाइक लिटरली तजिकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है बल्क, तो वहां तक वो गए थे। अनफॉर्चुनेटली वो टेरेन इतना अफगानिस्तान का टेरेन इतना डिफिकल्ट था कि वो जीत नहीं पाए और उनको हार कर लौट के आना पड़ा, बट उनका जो महत्वपूर्ण ओहदा है मुगल दरबार में वो कंटिन्यू रहा। इनफैक्ट जब खुर्रम प्रिंस खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां बने उन्होंने जहांगीर के खिलाफ बगावत की तो उन्होंने खुर्रम का भी बीच में थोड़ा साथ दिया एंड वो अपोजिंग पार्टीज मुगल दरबार की वो नेगोशिएट करके कर रहे थे। बट इवन दो कोटा एक छोटा स्टेट था उसका महत्व बढ़ने लगा मुगल दरबार में। इनफैक्ट यही टाइम था जब कोटा और बूंदी अलग किए गए और जो माधव सिंह के वंशज है वो कोटा पर 1947 तक राज करने लगे और बूंदी जो रियासत है वो एक अलग रियासत बन गई। आगे चल के कोटा के जो हाड़ा चौहान राजा थे उन्होंने आगे चल के जो अपनी मुगल सेवा की ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, राव जगत सिंह थे उन्होंने जो दक्कन है बुरहानपुर दक्कन वहां पर काफी कैंपेन्स किए। इनफैक्ट जो किशोर सिंह है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया
जब औरंगजेब की फौज छत्रपति शिवाजी और मराठों के खिलाफ जो जंग कर रही थी, उसमें उन्होंने मुगलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनफैक्ट जब कोटा की फौज ने महाराष्ट्र में जो मुगल कैंपेन्स हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट जब मिर्जा राजा जयसिंह जो मुगल कमांडर थे, जब वो छत्रपति शिवाजी और उनकी सेना को हराने के लिए आए और उन्होंने पुरंदर के किले में छत्रपति शिवाजी और उनकी फौज को घेर लिया था, तो उसमें कोटा की फौजों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आगे चल के जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी को औरंगजेब ने बहुत क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई, और जब औरंगजेब की फौजें मराठों का जो राज्य है उसे खत्म करना चाहती थी, तो मुगल कमांडर जुल्फिकर अली खान की एक्चुअल अगर किसी ने साथ दिया और जिसे जिसकी शक्ति बढ़ाई, वो कोटा की जो फौजें थी वो थी। इनफैक्ट रायगढ़ पर जो मराठा कैपिटल रायगढ़ है उसको कॉन्कर करना, या इवन जिंजी का जो दक्षिण में जिंजी का जो कैंपेन है उसमें भी कोटा के जो राजा है उनकी ये जो दक्षिण में जो मुहिम हुई, जो कैंपेन्स हुई, उसका एक इंटरेस्टिंग हमें कनेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है कैथून करके। ओरल ट्रेडिशन के अनुसार जब कोटा के राजा दक्षिण में जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटका में मुगलों की सेवा कर रहे थे, तब काफी जो वहां के जो वीवर्स थे जो सिल्क में वीविंग करते थे उनको वो उनके साथ आए और कोटा राज्य में बस गए इस कैथून गांव में। और उन्हीं के जो ट्रेडिशन से शुरू हुई यहाँ की जो फेमस कोटा डोरिया साड़ी जिसे हम कहते हैं, वो ट्रेडिशन शुरू हुई और फिर वो कंटिन्यू होती गई। और आज जो कोटा कैथून की जो कोटा डोरिया साड़ी है वो तो भारत भर में प्रसिद्ध है। पर ये एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है उस मेडिवल पीरियड का जब यहाँ के राजा दक्षिण में थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा, तब पासा पलट गया और फिर जो मराठे जो डिफेंसिव पर थे महाराष्ट्र में वो ऑफेंसिव पर चले गए, और पेशवा बाजीराव के अंडर जो मराठा फौजें हैं वो भारत भर में एक्सपैंड करने लगी। मालवा पर उनका कब्जा हुआ, गुजरात पर उनका कब्जा हुआ, और क्या हुआ कि ये जो एरिया है झालावाड़ गागरोन कोटा, ये रूट था जैसे मैंने पहले बताया राजस्थान अजमेर की तरफ जाने के लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कोटा पर काफी मराठों के आक्रमण शुरू हुए, सिंधियाज और होलकर्स के एंड ऑल ऑफ दैट, और काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई। उस समय कोटा का जो राजा था वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं था और उसके दीवान थे जालिम सिंह झाला। नाउ जालिम सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेन ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया, और उन्हें हम कह सकते हैं ही वाज अ काइंड ऑफ अ चाणक्य या मैकियावेली हम कह सकते हैं। वो जानते थे लोगों को कैसे हैंडल करना, कैसे शतरंज का खेल खेलना कि वो हमेशा उनका जो पलड़ा है वो भारी रहे। और उन्होंने फिर होलकरों को मैनेज किया, सिंधियास को मैनेज किया, जो जयपुर के जो राजा थे बाकी राजपूत राजा थे उनको मैनेज किया, और फिर बाद में अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मैनेज किया, और अपना एक इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल उन्होंने कोटा राज्य पर बनाया कि इवन जो वहां के जो एक्चुअल राजा थे वो उनको अपनी गद्दी से हटा नहीं, आई मीन अपनी पोजीशन से प्राइम मिनिस्टरशिप से उन्हें हटा नहीं पाया। फिर आगे चल के जो जालिम सिंह के वंशज हैं और जो कोटा के असली लाइक जो राज परिवार है उसमें इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और कोटा राज परिवार ने बहुत कोशिश की जालिम सिंह और उनके वंशजों को जो पावर से हटाने की, पर कुछ नहीं हुआ। फाइनली फिर एक अग्रीमेंट हुआ जालिम सिंह के वंशज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कोटा के बीच में, और ऑलमोस्ट 33% ऑफ द कोटा राज्य उसे काट कर फिर झालावाड़ का एक सेपरेट राज्य बनाकर जालिम सिंह के वंशजों को दिया गया। एंड इट वॉज लिटरली लाइक गुड रिडेंस की चलो हमें उनसे छुटकारा मिला। कोटा का अपना स्वतंत्र राज्य कंटिन्यू बनते रहा,
और वो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर एक प्रोटेक्टरेट था। 1857 में जब पूरे भारत में रिवोल्ट हो रहा था, तो यहाँ पर भी रिवोल्ट हुआ। यहाँ के जो इंग्लिश रेसिडेंट थे वो मारे गए। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये जो पूरा मालवा का जो इलाका है जो कोटा से सटा हुआ था, वहां पर काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। और तात्या टोपे की जो फोर्सेस और ये जो स्कर्मिशेस जो हो रही थी, तो यहाँ पर काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए। हमें पता है कि तात्या टोपे की फौज झालावाड़ आई थी। हमें कोटा में इतने रेफरेंसेस नहीं मिलते, पर यहाँ पर भी काफी लड़ाई हुई। 1857 में झड़पें हुई, पर वो बाद में दबा दी गई। बाद में कोटा एक प्रिंसली स्टेट बना यहाँ पर, क्योंकि अनलाइक बूंदी, यहाँ की एक जमीन अच्छी थी और जो जंगल थे और चंबल नदी थी जहाँ से काफी फर्टाइल पानी मिलता है और काफी ये मिलता है। तो एक प्रोग्रेस का एक जमाना शुरू हुआ। यहाँ पर नाम आता है महाराव उमेद सिंह जी द सेकंड का, जिन्होंने काफी विकास किया। स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, अस्पताल खोले। उन्होंने जो यहाँ का जो उमेद भवन है, जो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत महल है कोटा में, जो अभी 5-स्टार होटल बन चुका है, तो उस महल को उन्होंने बनवाया, जिसे सर स्विंटन जेकब, जो फेमस आर्किटेक्ट है उस समय के, उन्होंने बनवाया था। और फिर बाद में उमेद सिंह जी के बाद जो कोटा के महाराव भीम सिंह है वो राजगद्दी पर बैठे, उनके समय पर काफी विकास हुआ। कोटा में अस्पताल बहुत बड़ा बनाया गया। यहाँ पर इरिगेशन स्कीम्स हुई, पावर जनरेशन स्कीम्स हुई चंबल नदी पर। और फिर फाइनली 1947 में जो कोटा राज्य है वो मर्ज हुआ राजस्थान में। आज कोटा का राज परिवार कोटा में ही रहता है और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं थैंकफुली बहुत वेल मैनेज्ड है। अनफॉर्चुनेटली लोग जो कोटा आते हैं वो सिर्फ कोचिंग क्लास और इसी संदर्भ में आते हैं। टूरिस्ट भी बूंदी का किला देखने के लिए आते हैं, पर ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे अनफॉर्चुनेटली कोटा में नहीं आते हैं। पर आशा है कि जो कोटा का जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, और यहाँ की जो संस्कृति और कला है, उसके बारे में लोगों की जानकारी बढ़ेगी और कोटा को अपना एक ड्यू दिया जाएगा एज अ हिस्टोरिक सिटी।